if you want to be educated, then learn from the books always, because they are your best friends. Don't allow what you cannot do interfere with what you can do. Don't stop when you are tired, stop when you are done. So hello, hi friends, welcome back to Raghu Medical Coaching Classes. So इस PSM के playlist में आज हम पढ़ेंगे integrated vector control के बारे में, हम पढ़ेंगे और जानेंगे कौन से methodology से हम vectors को, यानी कि जो disease और spread करते हैं insect, उनको control कर सकते हैं। ये सब जानेंगे इस video के अंदर, तो please video को देखिए अंत तक। तो anyway, let us start with the integrated vector control. तो integrated vector control है क्या? तो integrated vector control is the utilization of all appropriate method to inhibit vector and their larvae. ओके, तो वेक्टर कंट्रोल क्या है यहाँ पे? इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल, तो इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल रहेगा यूसेज ऑफ द वेरियस मेथड्स, ओके, इन अ नटशेल टू कंट्रोल द इंसेक्ट्स। ओके, इंसेक्ट कैसे करेंगे? इंसेक्ट रहेंगे जैसे कि टिक्स हुए, फ्लाइज हुए, ओके, ऑर्थोपॉड वर्म्स, साइक्लॉप्स हुए, दूसरे साइक्लॉप्स हुए जो डिजीज स्प्रेड करते हैं, जैसे कि डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, मलेरिया, ओके, फाइलेरिया, देन ड्राइकोपुलियासिस, लेशमानियासिस, ऐसे जो बीमारी फैलाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल का प्ले करते हैं, ऐसे वाले इंसेक्ट्स को हमें मारने के लिए क्या करना चाहिए? इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल जो है कंट्रोल करना चाहिए। तो उसका कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, तो क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा इस कंट्रोल प्रोग्राम में? एक रहेगा एनवायरमेंटल कंट्रोल, दूसरा रहेगा केमिकल कंट्रोल, तीसरा रहेगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, चौथा रहेगा रेसिडुअल स्प्रेस, और पांचवा रहेगा जेनेटिक कंट्रोल, और लास्ट में आएगा मॉस्किटो नेट्स। तो इनके बारे में एक एक करके जानेंगे, बट फिर एक बार मैं आपको वेक्टर्स के बारे में बता दूं। वेक्टर्स जैसे कि टिक्स हुए, फ्लाइज, मॉस्किटो, साइक्लोप एक्सेट्रा, एज एक्सेट्रा, जैसे स्प्रेड करते हैं डिजीजेस लाइक डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, प्लेग, स्कैबीज, लिशमानियासिस, ड्राइकोपुलियासिस, फाइलेरिया एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब बीमारियां जो है इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, ये स्प्रेड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल दिस ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ दिस इंसेक्ट्स। ओके, तो एनवायरमेंट कंट्रोल में क्या करेंगे? एनवायरमेंट कंट्रोल में करेंगे जैसे कि फिलिंग ऑफ द पिट्स हुआ, जहीं कहीं पे भी पिट्स फॉर्म हुए, पिट्स जहाँ पे पिक्स नहीं पिट्स, एक शैलो एरिया जो शैलो पिट बनता है, ओके, लो लाइंग एरिया बन जाता है जहाँ पे पानी वर्षों के दिनों में यानी कि रेनी सीजन के दौरान वहाँ पे पानी भर जाता है, तो तब हम क्या करते हैं, तो उसको फिलिंग कर देते हैं, या फिर जो भी पॉट्स है, बर्तन वगैरह, टायर हुए, ओके, जहाँ पे भी पानी भरना शुरू हो जाता है, तो पानी एक्युमुलेट होना शुरू होता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम वो सब हटा देंगे। ओके, लो लाइंग एरिया जो भी अनक्लीनलीनेस सराउंडिंग में प्रोवाइडेड है, तो उनको क्लीनिंग करें तो हमें एनवायरमेंटल में कंट्रोल मिल जाएगा, जिसकी वजह से वेक्टर्स जो है डिजीज ऑफ स्प्रेडिंग मॉस्किटोज हुए, फ्लाइज हुए, ओके, टिक्स हुए, ये स्प्रेड नहीं होना होंगे। ओके, दिस इज द वन थिंग। नेक्स्ट आएगा केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में क्या कर सकते हैं? हम इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, लार्विसाइड यूज कर सकते हैं, विच कॉजेस द नर्व पॉइजन एंड स्टमक पॉइजन इन द इंसेक्ट। ओके, नर्व पॉइजन जैसे कि डीजल ऑयल हुआ, पैरिस ग्रीन हुआ, डीडीटी, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन हुए, पैराथायन जैसे केमिकल, मैलाथायन, प्रोपोक्जर, कार्बामेट्स जैसे केमिकल्स हम यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, या फिर बोलिए लार्विसाइड्स, जो कि लार्वे और इंसेक्ट दोनों को किल करेंगे और डिजीज स्प्रेड होने से हमें बचाएंगे। ओके, दिस इज द केमिकल कंट्रोल मेथड। ओके, नेक्स्ट आएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम कुछ बैक्टीरिया यूज करेंगे, जैसे कि बैसिलस स्पैरी, यस, ओके, मैं स्पेलिंग बोलूंगा बैसिलस, एस पी एच ए ई आर आई जेड यू एस, ओके, स्पैरिसस, एक टाइप का बैसिलस बैक्टीरिया रहेगा, और दूसरा बैक्टीरिया रहेगा थायरिंजियेनेसिस, ओके, डी एच आई आर आई एन जी आई ई एन एस आई एस, थायरिंजियेनेसिस, ओके, बैसिलस थायरिंजियेनेसिस, ओके, एक टाइप का बैक्टीरिया रहेगा जो कि इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया लार्वेस को, मॉस्किटो के लार्वेस को इन्फेक्ट कर देगा, और ह्यूमन को बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा, बट लार्वे ऑफ द मॉस्किटोज को इन्फेक्ट करके उन्हें मार डालेगा। तो ये रहा बायोलॉजिकल कंट्रोल। और दूसरे रहेंगे फिशेज, जैसे कि लैम्बूसिया, लैबिस्टर, ओसिलिया नाम के ये तीन फिशेज जो है मेनली फीड करते हैं, उनका हैबिट रहता है फीडिंग ऑन द लार्वे ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट के लार्वे को, साइक्लॉप्स को के ऊपर फीड करते हैं, और इन्हें इंसान नहीं खा पाते, ओके, बट दिस फिशेस बट दे फीड ऑन द लार्वे ऑफ द इंसेक्ट। तो इट इज वेरी इजी टू कंट्रोल द लार्वेल डेवलपमेंट, तो लार्वेल डेवलपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं बाय फिश ब्रीडिंग से।
ओके नेक्स्ट आएगा जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल के दौरान हम क्या कर सकते हैं, हम स्टेरिलिटी मेल्स जितने भी मेल पॉपुलेशन मॉस्किटो में मेल पॉपुलेशन है उनके अंदर जो है हम स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय अल्टरिंग द जीन्स और द क्रोमोसोम और डिस्ट्रॉइंग द क्रोमोसोम। मानो कि वाई क्रोमोसोम मेल्स के अंदर निकाल दिया जाए ओके उनको स्टेराइल कर दिया जाता है तो स्टेरिलिटी बाइंड वो स्टेराइल मेल्स को जाके एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाता है। तो That can be done, okay? Sex distortion जिसको बोलेंगे या फिर replacement और gene translocation के process से हम ये सब कर सकते हैं। But next आएगा by using mosquito nets। तो mosquito nets जो है the opening should not exceed 0.047 inch से ज़्यादा का बड़ा होल नहीं रहना चाहिए और पर स्क्वायर इंच को 150 होल्स रहना चाहिए। तो दिस इज अबाउट द मॉस्किटो नेट। द पीपल शुड बी द मोर इम्पोर्टेंट द पीपल शुड बी एजुकेटेड रिगार्डिंग द ब्रीडिंग प्लेसेस द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस्किटोज द मॉस्किटोज कैसे स्प्रेड होते हैं एटिक्स कैसे स्प्रेड होते हैं फ्लीज कैसे स्प्रेड होते हैं इनके बारे में पीपल को एजुकेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और इम्पोर्टेंट रहता है उनको बताना कि वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन एंड टाइडी। तो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट मच मोर इंटेंसली इन द पीपल टू एजुकेट मोर टू द पीपल अबाउट द क्लीन एंड टाइडीनेस ऑफ आवर एनवायरमेंट। बट एक ड्रॉबैक यहाँ पे इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल में एक ड्रॉबैक्स आएंगे जैसे कि एक्सेसिव केमिकल यूटिलाइजेशन से जो भी ऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑर्गेनिक क्लोरीन हम यूज करते हैं ओके दैट मे कॉज टॉक्सिसिटी पॉइजनिंग एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हुआ इट इज वेरी मच कॉमन व्हेन वी यूज दिस केमिकल्स ओके ह्यूमंस के अंदर पॉइजनिंग बहुत ही ज्यादा कॉमनली कॉज करता है टॉक्सिसिटी कॉज करता है ओके दिस इज द मेन ड्रॉबैक। एंड वन मोर ड्रॉबैक इज समटाइम द मॉस्किटोज डेवलप रेजिस्टेंस टुवर्ड्स दिस केमिकल जैसा कि डीडीटी यूज किया जाता था पहले तो डीडीटी के अगेंस्ट मॉस्किटोज जो है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर चुके हैं अभी तो डीडीटी जो है इनइफेक्टिव बन जाता है बाद में तो इसीलिए जो है डीडीटी अभी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम। अगर आपको मेरे वीडियो चैनल अच्छा लगा हो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टिल देन टेक केयर गुड बाय अल्लाह हाफिज़।